अपनी ड्यूटी निपटाकर घर निकले पुलिसकर्मी की कार दुर्घटना में मौत हो गई है, तो इस मामले की सारी सच्चाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसको लेकर अब भोसरी एमआईडीसी पुलिस आगे जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात हुए इस दर्दनाक कार दुर्घटना में मृतक हुए 42 वर्षीय पुलिसकर्मी का नाम विजय कुमार अखाड़े बताया जा रहा है, जो चिंचवड़ पुलिस थाने में पुलिस नायक के पद पर तैनात किए गए थे। इस दुर्घटना से पहले विजय कुमार ड्यूटी निपटा कर चाकन में धनकरवाड़ी इलाके में स्थित अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक विजय कुमार की कार बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से जा भिड़ी, तो इस दौरान विजय कुमार के सर और सीने पर गंभीर घाव होने की वजह से वह जगह पर ही बेहोश हो गए। इस दुर्घटना को देखकर वहां से गुजरने वाले यात्रियों ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को बताई और घायल पुलिसकर्मी विजय कुमार को अपने साथ लेकर निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवाया, लेकिन इलाज से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना की सारी हकीकत सुरक्षा लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद होने के बाद अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है, लेकिन विजय के इस तरह अचानक दुनिया से चले जाने के बाद उसके करीबी मित्र और सहकर्मियों के बीच काफी गम का माहौल दिखाई दे रहा है। चिंचवड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हमारे साथ काम करने वाले हमारे सहकर्मी पुलिस नायक विजय कुमार मनोहर अखाड़े मध्य रात अपने खुद की गाड़ी से जाते समय उनका कार एक्सीडेंट में दर्दावी अंत हुआ है। इमिडिएटली जैसे पता चला उनको पुलिस हेल्प से हॉस्पिटल लाया गया, बट डॉक्टर ने उन्हें ऑलरेडी डेथ डिक्लेयर किया। इस प्रसंग में पुलिस डिपार्टमेंट से जो हो सकता है उनको मदद करना, उनके फैमिलीज को हेल्प करना, ये हमने ऑलरेडी काम कर दिया है। उनके आगे जो भी उनको सपोर्ट है तो पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से किया जाएगा।